हनुमान जी लंका गए, लंका कहां गए, लंका में जाके हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका जलाई कैसी, उलट पलट लंका सब जारी। लंका जलाकर हनुमान जी वापस माता जानकी जी के पास आए। जानकी माता ने कहा बेटा, हां मां, लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली या? हनुमान जी बोले माता, लंका में कोई साधारण आग थोड़ी लगी, फिर पावक देहु लगाए, लंका में पावक लगी। तो माता जानकी जी हंस के बोली बेटा, पावक माने भी तो अग्नि होती है, पहेलियां मत बजाओ, सही सही बताओ, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी कहते महाराज, मां लंका में कोई साधारण आग ही नहीं लगी, फिर कौन सी अग्नि लगी? हनुमान जी कहते मां, लंका में जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई, भगवान राम के रोष की अग्नि लगी है। पर बेटा अग्नि तो अपना पराया देखती नहीं है, अगर आग लगी लंका में तो पूंछ तो जलनी चाहिए। हनुमान जी ने माता जानकी जी के चरणों को पकड़ लिया, हे मां, अगर अग्नि में जलाने की सामर्थ्यता है तो अग्नि में बचाने की भी सामर्थ्यता है। माता जानकी जी बोली मतलब, हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते मां, अगर अग्नि जलाती है तो बचाने वाली आप भी तो विराजमान थी, आपसे भगवान ने कहा था तुम पावक मह करो निवासा है? अगर मारने वाली सामर्थ्यता है अग्नि में तो बचाने वाले भी तो है। और एक बात हम तुम्हें बता दें, संसार में अगर मारने की क्षमता है तो बचाने वाले भगवान भी तो विराजमान है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन मां जानकी जी कहती बेटा, पूंछ तो जलनी चाहिए, भले ही हम राजमान थे, थोड़ी भी जलती काली पड़ जाती। हनुमान जी भी कम कौत की नहीं है, हनुमान जी बड़े महानाटकी हैं। हनुमान जी बोले माता, पूंछ भी ऐसे, पूंछ में आग ऐसे नहीं लगी, फिर कैसे लगी? हनुमान जी बोले हम गए रावण के सामने, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोले ए बंदर, कौन है तू? हनुमान जी बोले माता, हमने पूरा परिचय दिया, हम राम जी के दूत हैं, माता जानकी जी की खबर लेने आए हैं, भगवान हैं, तुम भगवान के शरण में चले जाओ। रावण नहीं माना, रावण बोला तुमने हमारे पुत्र को मारा। हनुमान जी बोले कौन सा पुत्र? रावण बोला अक्षय। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, जिसने नाम रखा उसने मारा। रावण बोला नाम तो हमने रखा है। तो बोले हमें पता था कि आप विद्वान हो, इसीलिए तो हमने ट्राई किया। बोले क्यों? बोले हमें लोगों ने बताया इनका नाम अक्षय है, ये रावण का बेटा है। तो हनुमान जी बोले हमने सोचा जिसका नाम अक्षय हो उसका तो कभी क्षय होगा ही नहीं, जो अक्षय है उसका क्षय कब हो सकता है? हनुमान जी बोले रावण ज्ञानी है तो शायद उसने सोच समझ कर नाम रखा होगा। हनुमान जी बोले हमने एक ढैया मुक्का से ट्राई करो तो क्षय हो रहा हो क्या नहीं हो रहा, तो वो एक ही मुक्का में उनको क्षय होगा। रावण कहता है तुमने हमारे पुत्र को मारा है, इसलिए अब तुमको भी दंड मिलेगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे, हे भगवान, कहीं रावण को अपनी बहन सूपनखा की याद ना आ जाए, जैसी बहन सूपनखा की नाक कान कटी थी कहीं हमारी ना कटवा दे। अच्छा, हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कान कटेंगे तो हम मफलर बांध लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ, हम कहेंगे हमें ठंडी बहुत लगती है। लेकिन नाक कट जाए तो क्या करेंगे? लेकिन आजकल के लड़का वाले भी, युवान भाई बहन भी, एक जगह हम युवान बच्चों को समझा रहे थे कि देखो भाई हनुमान जी कितने चतुर हैं, तो नाक कान कट जाए तो हनुमान जी सोच रहे थे कि नाक कटेगी तो क्या करेंगे। एक लड़का खड़ा हुआ बोले मास्क लगवा देते हैं। हमने कहा ना कटा ठठरी के बरे है आगे के लगे। अब लड़का वाले भी बड़े वो, तो हनुमान जी ज्ञानी है, हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नाक कट जाए तो क्या जवाब देंगे। लेकिन हनुमान जी महानाटकी है, हनुमान जी ने क्या किया, आहाहा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, आंखों में लगाए, चूमे, माथे पे रखे और फिर चूमे,
फिर आखन में लगाए। रावण ने समझा कपि के ममता पूछ पर सवई कहूं समझाए। लगता है बंदर को अपनी पूछ से बहुत ममता है। हनुमान जी बोले बनगाओ काम, अब पूछ कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूछ कटने में क्या प्रॉब्लम। बोले क्यों? हनुमान जी कहते हैं मां आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं मां पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है बोलो बोलो बोलो? पूछ का मतलब प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग कहते ना, अरे भैया इनकी पूछ तो यहां से दिल्ली तक है, तो पूछ थोड़ी होती है, पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो राम हनुमान जी कहते हैं प्रतिष्ठा हमारी नहीं, प्रतिष्ठा तो राम जी की है। और रामायण में रावण पूरी जिंदगी भर हनुमान जी की पूछ से हैरान रहा, पूरी जिंदगी, पूरी रामायण पढ़ो आप, पूछ से हैरान। जब से हनुमान जी ने लंका जलाई, अच्छा एक बात, अब जब बात आई गई तो पूरी बोल देनी चाहिए। लोग विरोध क्यों करते हैं? जिसको ज्यादा पूछा जाए उसी कारण से विरोध क्यों होता। जहां तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगे, पूंछ ताछ बढ़ने लगे, सो फिर लोग पीछे लग जाते कि इनकी पूंछ क्यों बढ़ रही। और ये टेंशन आज की नहीं है, रावण के जमाने की है।